is what happened, like in everything. Weird you, baby. So, अभी टाइम हो रहा है टाइम हो रहा है 9:30 और अभी हम उठे हैं कि हम जाएंगे नहाने और मैंने चाय के लिए फ़ोन कर दिया। चाय आ रही होगी भाई, चाय वाय पी के हमसे निकलेंगे निधिवन के लिए। हमने दो जगह सोचा निधिवन और हो सकेगा तो हम कृष्ण जन्मभूमि भी जाएंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं वहाँ पे। फिर वहाँ पे जाके हम आप लोगों को दिखाएंगे वहाँ का। फिर हमें बरसाना भी जाना है। बरसाना जाने के बाद बरसाना में कुछ मंदिर से जो भी होगा हम आपको कवर करेंगे। उसका पार्ट अलग से बनेगा बरसाना का। हम जाते हैं रेडी होने और रेडी होकर मिलते हैं आपको सीधा अपनी कार में। कार मिलने के बाद हम आपको सीधा दिखाते हैं। ओके सो वाह, चलिए अब हम जाते रेडी हम आपको मिलते हैं कार। सो फाइनली गाइस हम कार में आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं विधिवन के लिए। और वहाँ पर विधिवन में और कृष्ण जन्मभूमि में फ़ोन अलाउड नहीं है अंदर, अभी हमारी बात हुई है। तो हम आपको बाहर का ही दिखा पाएंगे जो दिखा पाएंगे, बाकी अंदर का कुछ नहीं। चलिए देखते हैं। चलिए आप यहाँ की रोड्स देखो भाई, मतलब एकदम खाली पड़े रहते हैं। केवल वृंदावन और मथुरा में ही ट्रैफिक मिलता है, बाकी पूरी जगह रोड्स खाली ही पड़े रहते हैं। अब देखिए पूरा साफ रोड। और ये है कृष्ण जन्मभूमि का मेन गेट और यहाँ पर हमारा फोन जमा हो जाएगा। तो हम आपसे बाद में मिलते हैं। तो गाइस अब हम वहाँ मंदिर से बाहर आ चुके हैं और अब हम सीधा जा रहे हैं बरसाना के लिए। और मेरा फ़ोन की बैटरी लो है तो मैं क्योंकि मैं फ़ोन से ही शूट करता हूँ तो मैं अब कार में अपना फ़ोन चार्ज में लगाए हुए हूँ। अब सीधा मैं आपसे वहीं बरसाना में मिलता हूँ, तब तक चार्ज हो जाएगा। तो तब तक के लिए बाय। सो फाइनली हम बरसाना आ चुके हैं और देखिए बरसाना, ये नीचे बरसाना मतलब ये पूरा सिटी है बरसाना और ऊपर राधे रानी का मंदिर है उस साइड, मतलब कि इस साइड यहाँ से ऊपर जाएंगे और वहाँ आगे वहाँ पर मंदिर है। और यहाँ पर गाइस बंदर भी बहुत रहते हैं, थोड़ा डर लगता रहता है कहीं फ़ोन छीन के ना ले जाएं। अभी तो नहीं दिख रहे हैं आसपास। फिर ये बंदर जब फ़ोन ले जाते हैं तब इनको फ्रूटी देना पड़ता है, तब ये फ़ोन देते हैं। और देखिए आप पीछे काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, यहाँ से पूरी बरसाना नगरी है। और हम आपको चलिए मंदिर के पास पहुँच कर दिखाते हैं। और ये देखिए गाइस कोई रेस्टोरेंट टाइप का है, ये कुछ तो रेस्टोरेंट ही लग रहा था। और यहाँ ये सब मतलब खाना वाना मिलता है, जलपान ग्रैली का भी है तो यहाँ पर सब खाना वाना मिलता है। अभी हमें खाना नहीं, अभी मंदिर जाना है, मंदिर बंद हो जाए, काफ़ी टाइम हो चुका, हम काफ़ी शाम में आए हैं। और यहाँ पर मतलब कि काफ़ी अच्छे अच्छे फूल्स हैं और ये सब लोग अपनी छत में यहाँ चढ़े हुए हैं बरसाना में। शाम के टाइम में सभी लोग आ जाते हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें। तो ये अंधेरा होने से पहले हम मंदिर घूम लें। तो चलिए हम जल्दी जल्दी चलते हैं मंदिर के साइड। ये देखिए वो लोग अपने छत में खड़े हैं सभी लोग। ये देखिए लोग भी मज़ा ले रहे हैं और इस तरह का व्यू बहुत ही कम ही मिलता है देखने को। चलिए अब हम मंदिर के पास आपको सीधे पहुँचते हैं और मंदिर के पास से दिखाते हैं वहाँ से कैसी दिखती है बरसान नगरी। चलिए ये रहा मंदिर के पास भी बाउंड्री, यहाँ थोड़ा ज़्यादा ऊँची। चलिए हम अंदर चल के आपको दिखाते हैं मंदिर के अंदर। सो फाइनली हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं गाइस और ये रही आपकी बरसाना नगरी और ये रहा आपका मंदिर। हम मंदिर के अंदर फ़ोटो वीडियो जो अलाउड नहीं थे इसलिए हमने नहीं लिया, अभी स्क्रीन कोई काम ही नहीं है। और काफ़ी खूबसूरत लग रही बरसाना नगरी, देखिए आप बैक कैमरे से देखिए। ये देखिए
ये रही बरसाना नगरी, काफ़ी खूबसूरत यहाँ से लग रही है। व्यू बहुत ही औसम है, आप कैमरे से जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन सच में आंखों देखने में बहुत औसम है। ये रहा आपका मंदिर, और हम इस साइड से आए थे, और हम इस साइड से इसके राइट में सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से हम जाएंगे, ये सीढ़ियाँ जो हैं यहाँ से हमें जाना है। तो आज के लिए गाइस इतना ही, अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय।